हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, आज फ्री थे भाई, सोचा यार व्लॉग कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग थोड़े मतलब लेट ही आ रहे हैं, क्योंकि कभी 5 दिन बाद, कभी 1 हफ्ते बाद, कभी का कभी क्या। तो भाई आज मतलब थोड़े फ्री थे, मतलब मैं भी घर से आया था जम्मू में, तो अभी इधर से निकलेंगे भाई, चलते हैं सीधा पहले अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी के पास नहीं गए। पिछले ब्लॉग में जैसे दिखाया, मतलब जब भी मैं अपने बादशाह के पास जाता हूँ भाई, आपको भी दिखाता हूँ हमेशा क्या सिचुएशन है क्या नहीं। तो भाई मेन बात एक और थी वहाँ, आपको पता है जैसे चिड़िया ने अंडे दिए थे बादशाह पे, तो आज चल के देखते हैं उसमें बच्चे बच्चे निकले नहीं। अगर निकल गए भाई तो वो लेके अपने बच्चों को उड़ जाएगी, उसके बाद हम भी आज़ाद हो जाएंगे, हम बादशाह को लेके इधर से निकलेंगे। तो अपने साथ बासित भाई भाई जाएंगे और फरहान भाई, तो सैमी को भी साथ लेके चलते हैं। तो चलो यहाँ से चलते हैं भाई सीधा अपने बादशाह के पास, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्लान क्या है अपना। ये रही फरहान भाई की गाड़ी, देख लो भाई एक नंबर गाड़ी है। और सैमी कहाँ पे है? सैमी सैमी चलो बेटा आप गोदी में बैठो, चलो चलो मेरा बच्चा गोदी में बैठो। अपने पास नया कैमरा आया भाई का, तो उसी में शूट कर रहे हैं भाई, देखते हैं कैसा लग रहा है, कैसी नहीं क्लैरिटी। तो वैसे तो मैं हमेशा अपने इंस्टा पे ही करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि यार इंस्टा में अच्छी क्लैरिटी आ रही है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, आप सीधा चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, बादशाह को देखते हैं यार उसमें धूल वूल तो नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि बार पिछली बार भी मैं पूरी सफाई करके आया था, इस बार भी चलेंगे मतलब धूल वूल हटाएँगे। फिर नेक्स्ट प्लान भाई अभी है ही नहीं कुछ, क्योंकि 1 तारीख तक मैं कुछ नहीं कर सकता, जब 1 डेट आएगी उसके बाद देखेंगे यार नेक्स्ट प्लान क्या करना है क्या नहीं। तो चलो यहाँ से चलते हैं और देख सकते हो सैमी कितनी मस्ती कर रहा है। सैमी, मैं पहले भी एक व्लॉग में कह चुका हूँ, सार्थिक भाई और रुपेश भाई भाई जिन्होंने सैमी गिफ्ट किया भाई, देख लो जब लाया था ना तो सिर्फ 1 kg था, आज मतलब 2-3 मंथ का हो गया 3 kg हो गया भाई। तो मतलब अच्छा लगता है यार इसके साथ ना, मतलब दिल लग जाता है। और दूसरी बात भाई, एक बात बोलूँ, जानवरों से जितना भी प्यार करोगे ना, वो कभी वो वफादार ही निकलेंगे यार हमेशा। तो आजकल क्या बोलो, अब मैं मिसाल कुछ दे दूंगा तो, क्योंकि भाई काफ़ी बुरा मान जाते हैं, राजा भाई आपने ये बात बोल दी ये बोल दी, मेरा कसूल है भाई, जो बात है दिल में नहीं रखता मैं सीधा मुंह पे बोल देता हूँ। तो चलो इधर से निकल रहे हैं हम सीधा अपनी गाड़ी के पास ही, और यहाँ गली से निकल रहे हैं, फरहान भाई कर रहे हैं ड्राइव, क्योंकि ये भी भाई चंद दिन के मेहमान हैं, जा रहे हैं भाई सिंगापुर, तो इनके साथ आएँगे हम अमृतसर, क्योंकि काफ़ी भाई अमृतसर से करते रहते हैं भाई, अमृतसर कब आना है कब आना है। तो भाई ये देख सकते हो अपना सिद्धू मूसे वाला, तो आगे हम अपनी मेन छन्नी रोड पे। तो भाई आज संडे है, हम संडे को व्लॉग कर रहे हैं, और संडे में एक मतलब ऐसा होता है ना, जब संडे होता है तब ना रोड पे रश होता ही नहीं, रोड नहीं, देख सकते हो छन्नी रोड बिल्कुल खाली है अपनी। तो इधर से पहले वहाँ पहुँच जाएँ, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको अपना बादशाह और इश्तियाक भाई से भी मिलते हैं। गाड़ी की चाबी कहाँ पर भाई? पिछली बार देख सकते हो मतलब गया था और बादशाह की चाबी यहीं रखी थी, अभी भी इधर ही है, यहाँ पड़ी हुई है देख लो। मतलब यार ऐसी प्रॉब्लम आ गई ना कि मतलब जा ही नहीं सकते गाड़ी के पास। वैसे भाई मुझे भी बुरा लगता है, अपना बादशाह खजल हुआ है वहाँ पे, मतलब बहुत सारी दिक्कतें, और क्योंकि जब मैं वॉशिंग करवा के वहाँ रखी थी उसके बाद वॉशिंग करवाई नहीं, और खड़ी खड़ी गाड़ी पे भी धूल पड़ती रहती है, और वहाँ भी बहुत सारी चाचों की गाड़ियाँ और भी लगी रहती हैं, लेकिन यार क्या करें, मतलब भाई से भी बात होती रहती है, इश्तियाक भाई से जिनके मतलब वो पार्किंग है चाचू के बगीचे ही है, उनसे भी बात होती रहती है मेरी हमेशा कि मतलब गाड़ी है, वो हमेशा बोलते रहते हैं। और आज उनने रात में मतलब रात को मैं लाया हुआ था, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई आ जाओ, अब चिड़िया ने बच्चे निकाल दिए हैं तो वो लेके निकल जाएगी 10 दिन में। तो चलो देख लें, थोड़ा वेट कर लेते हैं, और यार क्योंकि भाई अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, तो वो हम उतार के कहीं और रखते, फिर वो ऐसे ही ना मतलब समझो को ना किसी की जान लेने के बराबर हो जाता। फाइनली पहुंच चुके हैं भाई अपने गैराज में। अस्सलाम वालेकुम, आज अपने चाचू से मिलते हैं, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र शुक्र अपने गुलजार चाचू से छोटे, आप उनसे छोटे हो ना? और सब खैरियत? ये नहीं होता कि भतीजा आए और गाड़ियां आगे लगी हो, गेट बंद करें इसको बाहर निकालने गाड़ी को? नहीं नहीं बिस्मिल्लाह। तो भाई ये रही अपनी पार्किंग, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ 1-2 बार, आ गई गाड़ियाँ वापस, वहाँ लगी है चाचू की 12 चक्का वहाँ, और यहाँ रही स्कॉर्पियो, इसको भी 63 नंबर नहीं छोड़ा आपने ना, जो जो गाड़ियाँ 63 नंबर वाली 66,
हाँ तो भाई अपनी फर्म चल रही है, मतलब जो इनकी गाड़ियाँ ना 63, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी 63 लगवाता। अभी लगाएंगे ना दूसरी को, जो 12 चक्का लेना है उसको लगाएंगे। अपनी जो 10 12 14 चक्का कोई भी आएगी 63 लगवाएंगे। और वहाँ देख सकते हो 63, वहाँ भी वो, ये डेम्पर को भी 63, इनको जेसीबी वाले को सब हर जगह। हाँ भाई देख सकते हो वहाँ 63 63, मतलब जो जो गाड़ियाँ हैं ना सारी गाड़ियों को 63 नंबर। और यहाँ अपने पार्किंग में तो जगह ही नहीं मिलती, आज गाड़ियाँ सारी काम पे आ गई हैं। कितनी टोटल गाड़ियाँ हैं? तकरीबन 60-70 तो होंगी। 60-70, तो भाई देख सकते हो 60-70, यार मेरा ड्रीम है, मेरी कब होंगी 60? हो जाएंगी, चलो हो जाएंगी, पक्का हो जाएंगी 2 साल के बाद 200। तो भाई अपना भी शौक है यार, बहुत सारी गाड़ियाँ, लेकिन क्या करें, कुछ और भी मजबूरियाँ हैं जिनका जैसे नहीं हो सकती। और यहाँ रहा फाइनली अपना बादशाह। हेलो, तूने अंडा दिया, बच्चा दिया? नहीं, उसने बच्चे नहीं दिए, बच्चे हो गए ना, एक बच्चा है, एक बच्चा है। तो भाई पहले आपको वो दिखा देते हैं यार, वो तीर उड़ गई। तो भाई आ चुके अपने बादशाह के छत पे, भाई देख सकते हो अपना बादशाह यहीं खड़ा है। भाई इस दिन फर्श टूट गया था, वो दिख रहा है, वहाँ नुकसान हो गया, और ये वाली चीज़ यहाँ नुकसान हो गया थोड़ा सा, गाड़ी जो मैंने रोल लोड किए थे ना उसमें मैंने दिखाया था ना वो वाला, वहाँ से फर्श टूट गया यार, कसम से बहुत ज़्यादा दुख लगा। और ये वाली जो लर निकाली है ना, ये भी डालेंगे गाड़ी में, उसके बाद ना यहाँ व्हील कप पड़े हुए हैं, तिरपाल। अब चाचू को मैं दिखा रहा हूँ, चाचू चोरी नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो शेख भाई? खैरियत से। रात को क्या बोला था आपने, 2 बच्चे यहाँ, एक कहाँ गया भाई? देख रहे हो, ये देखो, एक अंडा इसने ऐसे ही छोड़ा, एक खराब कर दिया इसने, और एक बच्चा ये। हेलो, एक अंडा ना ना, ये गंदा कर दिया इसने। तो भाई इसने ना एक ही बच्चा दिया, आप देखो अगर मैं इसको यहाँ से हिलाता कुछ और दिक्कत हो जाती। भाई देख रहे हो अपनी गाड़ी का ये खुला हुआ है, हमारा रेडिएटर वगैरह, उसके बाद ना मतलब बादशाह में जंग ही लग गया यार। और कुछ सामान देख लेते हैं, देख सकते हो यहाँ से पार्किंग। इश्तियाक भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना गाड़ी आगे पीछे करने में? नहीं है ना चाचू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इधर गाड़ी दफ्तर के सामने है। भाई देख लो यार, पार्किंग अपनी सारी वहाँ तक जा रही है, ये वाली जगह, वो वाली जगह भी अपनी है पीछे, वो भाई देख सकते हो ये। तो चलो अब खोलते हैं, थोड़ा बादशाह को कर लेते हैं स्टार्ट, उसके बाद इधर से निकलेंगे, फिर थोड़ा भी कर लेंगे टाइम स्पेंड चाचू के साथ, भी अच्छा लगता है यार। है क्या है वो? और किस तरह लिखा वो चाचू, ऐसे ही बोलते हैं ट्रक फॉर सेल है, मेरी गाड़ी की सेल लग गई इधर। नहीं, गुलजार चाचू ने उस दिन झूठ था ना, ये आप बोलो सच। बिल्कुल झूठ है, ये गाड़ी मेरी है, कौन खरीदेगा इसको? हाँ भाई, ये कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा, बस खोल उधर से। चाचू ने ऐसे बोल दिया ना, ट्रक फॉर सेल, अगर कोई खरीदना चाहता है 50 लाख में तो आ सकता है, क्योंकि हमने चलाई भी नहीं है इतनी, खुशी से आ सकता है। तो भाई चलो, बिस्मिल्लाह। हेलो, आप गाड़ी के अंदर थे? तेरी गर्मी बहुत ज्यादा यार। भाई एक और चीज दिखा देते हैं आपको, देख रहे हो? देखो फिर ये होता है, अगर गाड़ी खड़ी होगी ना ये दूर देखे। हाँ तो भाई पूछ रहे हैं ये, फरहान भाई पूछ रहे हैं ये क्या, ये भाई कोई बंदा कमेंट करके बोलो ये क्या है, दिख रहा है? ये एक चूहा आ गया था गाड़ी में यार, उसको भगाने के लिए, समझे आप? ये सीटें बीटें दिख रही हैं आपको, ये निकाली हुई है, ये देखो ये, क्योंकि यार गाड़ी में ना यहाँ था कनेक्टर, ये बंद करना पड़ता है। तो ये अब बिस्मिल्लाह लगाते हैं चाबी, और देखते हैं सेल्फ में स्टार्ट हो पाती है नहीं अपने बात से। तेल भी बिल्कुल डाउन है। हाँ सुकून मिलता है यार, जब मैं आता हूँ ना यहाँ पे मुझे सुकून मिलता है भाई। और दूसरी बात है, रखते हैं इसको 10-15 मिनट स्टार्ट, उसके बाद ना भाई अपने स्टूडियो की लाइट देख लो, इसको कल ही मैंने साफ़ किया था, लेकिन यार इसके अंदर पता नहीं क्या क्या घुस जाता है ये वाला, इसको मैं मतलब साफ़ करके ही गया था पिछली बार। उसके बाद ना भाई देख रहे हो अपनी गाड़ी की हालत ही भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ये देख लो ऑलरेडी। और फिरोज़ भाई फ़ोन कर रहे थे अपने रोड किंग 84, फिरोज़ भाई देख सकते हो आपके लिए ऐसा व्लॉग, आपने बोला था ये वाली सिस्टम है, आपने भी यही लिया है, मुझे आपने बोला था यहाँ मैंने फिटिंग करवाई है इसको,
ये रहे इसके माइक वाइक, अगर कॉल आती है और जीपीएस ही है, ये माइक है इसका। उसके बाद बाकी एक और बात भाई, लाख से ऊपर हो गई अपनी गाड़ी, तेल देख रहे हो बिल्कुल डाउन रखा है। चलो थोड़ा गाड़ी को आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से यहाँ खड़ी रही ना तो जाम ना हो जाए, तो करते हैं इसको थोड़ा आगे पीछे हिला लेते हैं भाई, उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से, क्योंकि सेमी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, देख लो यार कैसे सांस ले रहा है। और ये भाई साहब भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, क्योंकि भाई भाई को घर से नहीं रहने देते, बार बार फ़ोन कर रहे हैं भाभी। तो गाइज एक और बात है यार, मतलब हम गाड़ी निकालते हैं इधर से, चक्कर वक्कर लगाते हैं, लेकिन मसला ऐसा हो गया ना भाई, इसके ऊपर जो चिड़िया है उसका बच्चा है ना, उसमें प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम ना हो जाए यार, क्योंकि इतने दिन वेट कर लिया, अब थोड़ा सा वेट हो रही सही, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उसको कुछ प्रॉब्लम आए। तो चलो यहीं आगे पीछे करेंगे। बस चाचू, तो भाई हो गया अपना चक्कर, अब करते हैं बादशाह को यहीं बंद, उसके बाद चलते हैं भाई सीधा अपने घर, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया हम बाहर आए हुए थे, तो वहीं से इधर आ गए, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि जिप्सी भाई की लगी है वहाँ पे भी, तो देखते हैं शायद कल बादशाह यहाँ से फरार हो जाए भाई। चलो चलते हैं यार अब अपने घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। चलो भाई हो गई छुट्टी आराम से। और भाई एक भाई मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, राजा भाई आपने ये वाला डोर क्यों लगाया, मतलब दूसरे वाला क्यों नहीं लगाया, दूसरे ये वाला के जो शटर से बंद होता है। भाई हमने वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि भाई जब वो खुला रहता है ना तो बारिश आती है, उसकी वजह से गाड़ी के अंदर पूरी बारिश, और जब धूल चलती है पूरी धूल, मानता हूँ गर्मियों में ये हमें मतलब ये खुली नहीं रहती, और उसके बाद ना मतलब अगर खुली रहेगी तो पूरी धूल जाएगी, गर्मी में हमें गर्मी लगती है, तब हम मिरर विरर खोल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात है भाई, उस मतलब उस डोर का ये है ना कि अगर वो डोर खुला रहेगा, रब ना करे कुछ ऐसा हादसा वादसा हो जाए, तो पहले ड्राइवर की मौत होती है भाई, रब ना करे कुछ ऐसा हो। तो चलो अब चलते हैं सीधा चाचू से करते बातें, फिर उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि गुजार चाचू तो बोलते हैं हमेशा हाँ हाँ आता है और ऐसे चला जाता है, मुझे बोलता है नहीं, अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे हूँ, चाचू अपने करगल घूम रहे हैं और मैं यहाँ, अपना भी प्लान था उनके साथ जाने का, लेकिन भाई मैंने ऐसे सुना है कि जैसे करगल में जो गाड़ियाँ जा रही थी वो बंद कर दी, चलो चाचू आ जाएँ उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। चमी चलें, कि तूने स्कॉर्पियो का मज़ा लेना है, चलें चलें चलें, नहीं सच में बिल्कुल। उस्ताद जी क्या टेंशन कर रहे हो आप डेम्पर चलाते चलाते? अच्छा अच्छा इनकी टेंशन हो गई, इनकी टेंशन हो गई। इश्ताक भाई चले फिर, इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलेंगे जब हम आएंगे, मतलब अच्छे से घर से मतलब अपनी प्रॉब्लम दूर हो जाए, फिर बैठेंगे अच्छे से। चाचू ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो मेरे साथ आऊँगा ना फिर, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, ठीक है जाए। तो चलो ठीक है फिर, हैं छोड़ के आते हैं आपको, कहाँ तक? जहाँ आपकी गाड़ी है वहाँ छोड़ के आएंगे। चलो जाएंगे, अब हमारा प्यार लगाओ ऐसे रहना चाहिए हमेशा, इंशाल्लाह, और हमें कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो चलो चलते, चलो मेरे साथ चलते हैं आज। नहीं यहाँ फिर इनको कौन संभालेगा? देखो यार ये बंदा और वो इश्ताक भाई, मुंशी साहब बाय बाय, मिलते हैं फिर। चलो भाई चलते हैं, ये भी रही चाचू की गाड़ी। चाचू इस पे क्या लाते हो? टायर और उसके बाद तेल वेल है। देखो भाई जेसीबी का डीजल होता है, मैं यहाँ आता हूँ तो गुजार चाचू डंडा पकड़ के भगाते हैं मुझे, चल मारेंगे अभी दोनों मिलके उनको। सुन लो गुजार को मारेंगे, पकड़ मारेंगे पक्का, बिल्कुल बिल्कुल मारेंगे, डांटता है ना वो, वो डांटते हैं। आप सुन लो चाचू, चाचू सुन लो, ये आप देखोगे वीडियो पक्का, आपकी अपनी आप बचोगे, बिल्कुल आप बचने की बात ही नहीं। चलो ठीक है चलें फिर, ये भी अपनी है, ये आए ना वो दोनों अभी। क्या बात है क्या बात है भाई, देख सकते हो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियों के राजा। ठीक है अल्लाह हाफिज़। चल फरहान भाई, तो भाई देख रहे हो इसके ड्रामे, मतलब इसको ना बस गाड़ी में आते ही सोना आता है, नींद ही नींद। तो भाई आ चुके हैं अपने जहाँ जिप्सी लगाई है बासित भाई ने, उसका काम चल रहा है जैसे पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया। तो यहाँ रहा भाई का छोटा सा गैराज। हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो आप? और खैरियत से? ठीक हो गया काम अपने जिप्सी का? अभी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम कैमरामैन, कैमरामैन चांद नवाब हाजिर है आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो खैरियत से? ठीक है, कब दे रहे हो हमारी गाड़ी? क्या हाल है? ठीक हो खैरियत से? ठीक। अच्छा मुझे एक बात बोलो, मैं भूल गया था पिछली बार आप चले गए थे, ये कौन सा मॉडल है गाड़ी? ये गाड़ी है 1975 मॉडल। इसको कारण मतलब क्या रीज़न है इसको तैयार करने का?
ये उसके फादर की जो है ना यादगार है। बंदा जम्मू का ही है? जम्मू का ही है। अच्छा अच्छा 1971 मॉडल। और ये पूरी तैयार करनी है? क्या नाम है इस गाड़ी का? इस गाड़ी का नाम है फिएट। फिएट कौन सी कंपनी की है ये भाई, दिखा सकता है ये कौन सी गाड़ी है कोई भाई, जिस भाई को पता हो कमेंट करके ज़रूर बोलना। और दूसरी बात है ये 1971 मॉडल 71, पिछली बार भी मैंने जैसे बताया था भाई, और भाई ने ये पूरी तैयार करवानी है। देख रहे हो इसका फर्श भी टूटा फूटा सारा, और भाई इसका स्पेयर पार्ट तो मुंबई से ही मिलेगा। ये मुंबई से लेकर जाओ आप, कोई बात नहीं, आप यही दुआ करो मेरे घर में मेरी मम्मी बीमार है वो जल्दी ठीक हो जाए, ट्रक अपना यहीं खड़ा है, तो उसके बाद इंशाल्लाह मेरे साथ ही चलना ले आएंगे, प्रॉमिस सभी बंदों के साथ। तो भाई उसके बाद ना अपनी जिप्सी की हालत दिखा देते हैं, अपनी जिप्सी देख लो भाई, अपना काम चल रहा है ये, क्योंकि भाई ने ये सब कुछ ये वर्लिंग टचिंग सब हो चुकी है अंदर से दिख रहा है। फिर फर्श बिल्कुल भाई ये भी साफ़ करेंगे, प्लान करेंगे, इसको शीट डालेंगे, और जो मतलब इसके ना ये साइड वाले जो आते हैं गत्ते वत्ते जो भी है वो सब डालेंगे, वो सब नया ला के दिया, और सीटें नहीं डलेंगी। मतलब बाइक की ऐसी वर्कशॉप है जहाँ डेंटिंग पेंटिंग का एक नंबर काम होता है भाई, एक नंबर। जम्मू में सैलंग कॉलोनी में आइए। तो चलो अब चलते हैं, यही कुछ खास था भाई आज के लिए, तो चलते हैं बस भाई। इस वजह से काम रुका हुआ है हमारी जिप्सी का, बता दो ये वाली जगह कौन सी। हाँ भाई ये वाली चीज़ नहीं मिल रही है, ये वाला लॉक है ना ये साइड, इसकी वजह से सारा काम रुका हुआ है यार। चलो मिल जाएगा, क्योंकि हमने इसको बंद ही रखना होगा। तो गाइस चलो भाई, यहाँ जो वर्कशॉप में जो जो था आपको दिखाना था दिखा दिया भाई, और इसके बाद ना चलते हैं सीधा अपने घर चल के फिर आपसे करते हैं बातें भाई, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं भाई अपने घर पे, और तो आज के व्लॉग में कुछ खास नहीं था भाई ठीक है यार, आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं भाई, के चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो चलो जल्दी से जल्दी अपनी कोशिश यही रहेगी, जाएंगे ट्रैकिंग पे, ट्रैकिंग ब्लॉग आएंगे भाई जल्दी से जल्दी यार, अपनी यही कोशिश रहेगी भाई जल्दी से जल्दी। और जब ट्रक पे जाऊंगा भाई प्रॉमिस करता हूँ डेली ब्लॉग आएंगे, पर डे ब्लॉग आपको मिलेगा, और मैं इसलिए डेली ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ भाई, कंटेंट होना चाहिए यार, तो कभी कभी डाल लेते हैं। तो भाई ठीक है, ऐसे स्पोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं जल्दी से जल्दी एक कंटिन्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स एंड लव यू ऑल।